नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण 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 का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। कई बार ऐसा महसूस होता है कि अपनी गलती नहीं होते हुए भी दुष्परिणाम हमें ही भोगना पड़ते हैं। ईश्वर के न्याय के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा होता है, ऐसा क्यों? हाँ, हमने गलती नहीं की, फिर भी हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, ऐसा बहुत बार होता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप ये वो गलती जो आपने करी ही नहीं, फिर भी इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहली बात, ईश्वर की व्यवस्था में कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल हमारे खाते में आता है, दूसरों के कर्मों का फल हमारे खाते में नहीं आता है। आप सत्य प्रसंग सुनाते हैं, ये प्रसंग हमने पढ़ा था कल्याण मासिक पत्रिका, बहुत लोग परिचित होंगे गीता के गोरखपुर से, उसके अंतिम पन्नों पर पढ़ो समझो करो टाइटल से प्रसंग आते, उसमें रिटायर्ड जज का प्रसंग लिखा हुआ था। उसने कहा, उन्होंने लिखा रिटायर्ड जज ने कि मैंने आजीवन अपने कुर्सी का सदुपयोग किया, ईमानदारी बढ़ती, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता था कि धन के प्रति यदि आकर्षण हुआ तो साथ में कौन सा पैसे जाएगा और मुझे क्या चाहिए, दो रोटी खाने को चाहिए, सिंगल जगह सोने को चाहिए, चार जोड़ी कपड़े चाहिए, तो मैं कितना भी पैसा बदली ये चीज तो मुझे नहीं चाहिए, मैं किसके गलत कार्य करूं। ईमानदारी बढ़ती आज सत्य का साथ मिला। जब रिटायर होने की कगार पर थे, अंतिम केस उनके हाथ में था, उसमें बहुत असमंजस पड़ गया। केस ऐसा था कि जो कटघरे में व्यक्ति खड़ा था उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो बार बार कहता जाता कि सर साहब मैंने इस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं, मैं से मालूमा कैसे, साथ ही साथ जो समय जो दिन बताया जा रहा है, जो बार बताया जा रहा है कि इस समय इसकी हत्या हुई, मैं उस वक्त उस स्थान पर था ही नहीं, मैं दूसरे शहर में था, उस शहर में भी नहीं था, दूसरे शहर में था, मैंने ये काम नहीं किया है, लेकिन सारे सबूत ये जब दिखा रहे थे कि हत्या इसने की है, और जब साबित हैं कि सारे सबूत उसको इशारा कर रहे थे, लेकिन वो चीख चीख के कहता जा रहा था कि मैंने किया। जो ही मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे वो चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, और मुझे झट याद आ गया कि मैंने इस व्यक्ति को कहां देखा हुआ है। तो जिस दिन जो समय हत्या का 4 से 6 के बीच का बताया जा रहा, शुक्रवार के दिन 4 से 6 इस तारीख को इसने हत्या की थी, उस दिन ये व्यक्ति मेरे साथ था, परिचित नहीं था, हम कहीं एक जगह थे वहां पर ये लोग ढाई घंटा ही बैठा हुआ था, तो हम जहां पर थे और जहां पर हत्या हुई वहां से 3 घंटे की दूरी पर, तो ये इतना आना जाना तो नहीं कर सकता ना कि मार के मां पहुंच जाए। इसने हत्या नहीं की ये निश्चित था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं उसे निर्दोष साबित कर सकूं, जबकि मुझे पता था कि इसने हत्या नहीं की, कि मुझे याद आ गया सारा वाक्य मैंने इसे कहां देखा था, ये मेरे साथ था। तो सबूतों के आधार पर मुझे निर्णय देना पड़ा, अंतिम दिन था, मैंने उसे मृत्युदंड लिख दिया।
पैर नीचे रखा पर भीतर मुझे बहुत लाली थी कि आज जीवन मैंने ईमानदारी पर की। कुर्सी छोड़ते छोड़ते ही अंतिम केस मेरे हाथ में है, आज मुझसे कोई गलती ना हो जाए और मृत्यु दंड लिखा गया इसके लिए, इतनी बड़ी गलती मुझसे ना हो जाए। काम तंत्र का कर डिक्लेयर करने के बाद कुर्सी से उठे और जो साथ था उसको काफी स्थिति को मेरे कैरियर में लेकर आओ, डिक्लेयर तो हो चुका है मृत्यु दंड है, इसको मेरे कैरियर में लेकर आओ। कैबिन में आते से वो उनके चरणों में गिर पड़ा जिस साथ थे कि मैंने करा ही नहीं, उस व्यक्ति को जानता नहीं, बोले मैं भी जानता हूँ कि तूने नहीं किया है, मुझे भी पता तूने नहीं किया है, पर तुमने ऐसा उस बोलते वक्त उसने बहुत व्यास व्यक्ति है, मैंने ऐसा किया नहीं, ये व्यक्ति को जानता नहीं, मेरे से गलती हुई थी आज नहीं 10 साल पहले। बोलते बोलते वो बोल गया कि आज इस व्यक्ति का नहीं किया हमने, 10 साल पहले मुझसे गलती जरूर थी। जज ने पूछा क्या हुआ था, बोला हमने एक बिजनेस किया था मेरे और मेरे मित्र ने, जब धन लेकर हम वापस अपने शहर लौट रहे थे रास्ते में बड़ी रकम थी और मेरे मन में पर पैसों के प्रति आकर्षण आ गया कि वहां जाकर बंटवारा करना होगा, आती आती पानी आएगी 10 लाख रुपया था पुराने जमाने की बात, 5 इसको देना पड़ेगा, यदि इसको यहीं खत्म कर देता हूँ 10 का 10 मुझे मिल जाएगा। मैंने चल के ट्रेन में उसका गला लगाया, ट्रेन से नीचे गिराया, मैं वापस लौटाया और उस केस को दबाने में कि लोग तो बोले तुम्हारे साथ रुपया पैसा मेरा खर्च होता चला गया, ये नया केस खड़ा हुआ इसे दबाने के लिए मैं रुपया लगा 30 लाख रुपए चुका था, वही सारा कुछ मेरा पे किया और मुझे मिलता मिल गया। एक भी राई दाने जितना भी कर्म आपने नहीं किया फल भोगना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। और कॉमन भाषा में लोग कहते हैं कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं, देर भी नहीं है भैया, उधर खाता कैसे चलता है देखिए जरा सा, ये ड्रम वहां पर रखा हुआ है हम सब के नाम का, ये स्वामी रास जी महाराज परिचित है क्या, उनका दिया हुआ उदाहरण है, वो कहते थे ये बड़ा वो देते थे क्योंकि हनुमान प्रसाद जी को उतार नाम सुना होगा आपको कभी, वो मेरे सगे फूफा जी थे, सगे उसी खानदान से बिलोंग करते हैं, तो इनके 3 जनों के टिकड़े थे स्वामी रामसुख जी महाराज जगदाय जी गोयनका और हनुमान प्रसाद जी कोटा, तो उनका साहित्य मेरे पिताजी को बहुत मिला हुआ है और उनके बाबत हमने बहुत सारी बातें सुनी और सीखी हुई है। तो ये ड्रम हमारा वहां पर अवस्थित है सबका और इसका मुख नीचे से खुला हुआ है, जब आप अच्छे कर्म करते हैं ऊपर से इसमें गेहूं डाला जाता है और जब आप गलत कर्म करते हैं इसमें भूसा भरा जाता है। कई बार आप लोग कहते सुनते पाए जाते हैं कि कई व्यक्तियों को आप देखते गलत काम करने की सुख हो गए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, पर आपको देखना कि पहले ये गलत कर्म की गई इससे नतीज, पर उसके पहले मोटी परत उनके अच्छे कर्मों की है, तो अभी वो पीरियड चल रहा है, ये पीरियड खत्म होते से वो नंबर आने वाला है। 10 साल पहले उसने जब किया था कर्म चलती ट्रेन से दोस्त को बाहर निकाला था तब अच्छे कर्म कार्य रखते ही धन था बच गया, जो अच्छे कर्म अपना फल देकर पूर्णाहुति हुई नकारात्मक कर्म आने शुरू हो गए उसका प्रभाव। इस बार कोई प्रश्न नेक्स्ट अगला कर दीजिए दीदी, इसका मतलब सिर्फ यह है कि प्रकृति लौटाती अवश्य है
100% उसमें समय लगता है हमारे सत्कर्मों की वजह से, और जैसे ही सत्कर्म हमारे नीचे आने लगते हैं तो वो चीज सामने आ ही जाना है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो लोग गलत कर्म करने के लिए बहुत सुखी हैं, है ना, और या अच्छे कर्म करने के लिए दुखी हैं, तो वही है कि वो पीरियड खत्म होगा, अच्छे कर्म अपना सब दिखेंगे।